काली वर्सेस गोरी बहू। एक समय की बात है, जौनपुर गांव में सुरेश और महेश नाम के दो भाई रहते थे और दोनों ही एक अच्छे परिवार के थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उन लोगों का व्यवहार भी एक दूसरे से एकदम अलग था। क्योंकि महेश दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा था और इसी की वजह से महेश के अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं सुरेश का रंग थोड़ा काला था, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ और एक अच्छा इंसान था और दोनों ही अपनी माँ सुमित्रा से बहुत प्यार किया करते थे। और अब दोनों की ही उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसलिए सुमित्रा एक दिन उनकी शादी करने के बारे में सोचती है और वो उन लोगों से इस बारे में बात करती है। सुरेश, महेश, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली है। लेकिन माँ, मुझे तो मेरी जैसी ही खूबसूरत और गोरे रंग की लड़की चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए तो एक सुंदर सी लड़की ही लाऊंगी। माँ, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आप जिससे भी कहेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। अच्छा माँ, मुझे अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुरेश और महेश अपने अपने काम पर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है और महेश की पत्नी उर्मिला दिखने में बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत थी और वो एक अमीर घर की लड़की थी। वहीं सुरेश की पत्नी काजल दिखने में बहुत ही काली लेकिन संस्कारी लड़की थी, लेकिन सुमित्रा को भी अपनी गोरी और अमीर बहू बहुत पसंद थी, इसलिए वो उर्मिला से बहुत ही अच्छे और प्यार से बात किया करती थी, लेकिन काजल से हमेशा नफरत भरे शब्दों में बात किया करती थी क्योंकि वो काली और एक गरीब घर की लड़की थी। ऐसी ही एक दिन उर्मिला अपनी देवरानी काजल से कहती है, सुनो काजल, मैं अपना फेशियल करवाने पार्लर जा रही हूँ, तो घर का सारा काम तुम अकेली ही कर लेना, क्योंकि मैं ये घर के काम करके अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती और तुम तो काली हो इसलिए तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं अपनी स्किन को खराब नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं दीदी, आप पार्लर जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और बेचारी काजल घर का सारा काम करने लग जाती है। उसी समय सुमित्रा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे काजल बहू, इतनी देर हो गई, आज हमें खाना मिलेगा भी कि नहीं, या भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल सबके लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही सुमित्रा खाना अपने मुँह में डालती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा खाना बनाया है तूने, मेरा तो पूरा मुंह ही खराब हो गया इसे खाकर। पर माँ जी, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे ऐसे नहीं बोलूं तो कैसे बोलूं? खाने में तूने कितना नमक और मिर्च भर रखा है। अरे ऐसा खाना तो हम कुत्तों को भी नहीं खिलाते हैं, इसलिए खाना उठा और ले जाकर कुत्तों को खिला दे। जब से आई है तू तो हमारे घर के अनाज का सत्यानाशी कर रखा है। सुमित्रा के तानों को सुनकर काजल आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और दोबारा से खाना बनाकर सुमित्रा के लिए ले आती है और उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। और जब शाम को सुरेश घर आता है तो वो काजल को इस तरह उदास देखकर उससे कहता है, अरे काजल, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं जी, बस वो मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें उनकी इतनी ही याद आ रही है तो तुम एक बार उनसे मिलने चली जाओ। लेकिन अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, भाभी है ना, वो कुछ दिनों के लिए संभाल लेंगी। जहाँ सुरेश और काजल एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे होते हैं, वहीं उर्मिला चुपके से उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है और घर में आकर हंगामा कर देती है और चिल्लाते हुए सबको बुलाती है, माँ जी, महेश जी, कहाँ हैं आप सब, जल्दी यहाँ आइए, अब बस बहुत हो गया, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। उर्मिला की आवाज़ सुनकर सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय सुमित्रा उससे कहती है, अरे उर्मिला बहू, क्या हुआ, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो?
देखो ना माँ जी, आपके छोटे बेटे अपनी पत्नी को मायके भेजने का प्लान कर रहे हैं और मुझे यहाँ घर में नौकरानी बनाकर काम करवाने की सोच रहे हैं। क्या मुझे इस घर में नौकर बनाकर लाया गया है क्या? अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस देवर जी, बहुत बोल लिया आपने। और महेश जी, आप भी सुन लीजिए, मैं इस घर में और नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे अभी इस घर से जाना है। अरे मेरी प्यारी बहू, ऐसा मत कहो तुम। और इसका क्या है, ये तो है ही गरीब घर की, और जब से आई है मेरे भोले भाले बेटे को अपने आगे पीछे घुमा रही है, और इस तरह घर में जंग छिड़ जाती है। और सुमित्रा जैसे तैसे करके उर्मिला को जाने से रोक लेती है, और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और ऐसी ही धीरे धीरे सुमित्रा और उर्मिला का अत्याचार काजल पर बढ़ता ही जा रहा था। काजल को घर का सारा काम करने के बाद भी सुमित्रा और उर्मिला के ताने सुनने पड़ते थे। और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, और इसी बीच सुमित्रा की दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती है। और ऐसी ही एक दिन जब सुमित्रा सब्जियां लेने बाजार जा रही होती है, उसी बीच रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सुमित्रा का एक पैर हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो जाता है। और इस वजह से सुमित्रा अब चल फिर भी नहीं सकती थी। और ऐसी ही एक दिन सुमित्रा को रात में बहुत तेज प्यास लगती है, और वो अपने बहू उर्मिला को आवाज लगाती है। अरे उर्मिला बहू, जरा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर तो आना, बहुत तेज प्यास लग रही है। अरे इस बुढ़िया को तो रात में भी चैन नहीं है, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। पता नहीं काजल तेरा ये अत्याचार कैसे सह लेती है, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो कब का तुझे जहर देकर मार दिया होता। उर्मिला के मुँह से ये सब बातें सुनकर उर्मिला को बहुत बड़ा झटका लगता है। और वही दूसरी तरफ सुमित्रा की आवाज़ सुनकर काजल फटाफट से उसके लिए पानी लेकर आती है और सुमित्रा को पानी पिलाती है। और काजल अपनी इस हालत में भी उसकी इतनी सेवा कर रही होती है, और ये देखकर सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और वो रोते हुए काजल से कहती है, काजल बहू मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुझे तेरे रंग की वजह से इतना कुछ सुनाया, लेकिन मैंने तेरे रंग की वजह से कभी तेरे मन की सुंदरता को देखने की कोशिश ही नहीं की। पर आज मुझे समझ में आ चुका है कि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है, इसलिए बेटा मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ समान हो, और माँ बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ा करती बल्कि उन्हें आशीर्वाद दिया करती है, और आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। और इस तरह काजल अपनी सास को माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगती है। और ये सब देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने पति को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। और उस दिन के बाद से उस घर में वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जादुई लिपस्टिक के पेड़ का जादू। रौनकपुर गांव में अनुराधा का खुशहाल परिवार था। अनुराधा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी कंचन। कंचन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अनुराधा बहुत ही दयालु और नेक दिल महिला थी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था और सभी लोग सो रहे थे, तभी अनुराधा के घर का डोरबेल बजा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत ही विचित्र महिला उसके सामने खड़ी है। बहन जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। देखिए, घबराइए नहीं, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। अनुराधा उस महिला के पीछे पीछे चल देती है, तभी उसे एक लड़की घायल अवस्था में रोते हुए सड़क के किनारे दिखाई देती है। बेटा, आप यहाँ रो क्यों रही हो, और आपको ये चोट कैसे लगी? आंटी, मैं अपने मॉम डैड के साथ अपने होम टाउन घूमने जा रही थी, पर पता नहीं कैसे कार का ब्रेक फेल हो गया और कार खाई में गिर गई। मुझे तो मेरी मॉम ने किसी तरह विंडो से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन उनकी कार इस खाई में गिर गई। मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए आंटी। तभी अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वह समझ जाती है कि वो जो महिला उससे मदद मांगने आई थी
वह कोई और नहीं बल्कि उसी बच्चे की माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, मैंने सुना था कि माँ अपने बच्चों का मरकर भी साथ देती है और आज खुद अपनी आँखों से देख भी लिया। भगवान, इस बच्ची के माँ बाप की आत्मा को शांति देना। रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। होनी को आज तक कोई नहीं टाल पाया है, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। चलो मेरे साथ मेरे घर। और फिर अनुराधा उस लड़की को अपने घर ले आती है। बेटा, क्या नाम है आपका और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम आयशा है और हम सब चेन्नई से इंडिया अपने होम टाउन घूमने आए थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। आंटी, हमारा इस दुनिया में अपने मॉम डैड के अलावा कोई नहीं था और अब वो हमें छोड़कर चले गए। आंटी, ऐसा नहीं कहते बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है, सब कुछ उन्हीं के मर्जी से होता है। वैसे तुम मुझे मेरी बेटी कंचन की तरह ही लगती हो। तुम अब से यही हमारे साथ रहना और खबरदार जो खुद को अकेला समझा तो आज से हम सब तुम्हारे अपने हैं। अब रोना बंद करो। आयशा अनुराधा के गले से लग जाती है, तभी कंचन स्कूल से आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और इस तरह मेरी माँ से चिपक कर क्यों बैठी हो? माँ, ये लड़की कौन है काली हफ्से से? ये आयशा है बेटी और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। वाह माँ, आपने तो अच्छा खासा इस घर को अनाथ आश्रम बना दिया है। कोई नहीं है तो घर लेकर आ गई। अरे, इस दुनिया में अनाथ आश्रम नाम की भी कोई चीज होती है? मैं कहती हूँ ये कल्लो यहाँ नहीं रहेगी। कंचन, ये क्या तमीज है किसी से बात करने का? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। और ये कल्लो या हफ्सी नहीं है, इसका नाम आयशा है और ये अब से यही रहेगी। कान खोलकर सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गई? और आयशा से तमीज से बात करना, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। कंचन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा, ये मेरी बेटी कंचन है, लाड प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। अच्छा चलो, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। और फिर आयशा और कंचन एक ही टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। कंचन बेटा, आयशा को भी अपने साथ जरा बाहर लेकर जाओ, थोड़ा घूम लेगी। जाओ बेटा। माँ, कल से मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओफो, कब से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो ही नहीं रहा। ओ गॉड, क्या करूँ? कंचन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे बताओ, मैं ट्राई करती हूँ। तुम कभी स्कूल भी गई हो? बाय द वे, ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इक्वल टू इतना आ गया, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अरे वाह, मैं अब समझ गई, वैसे मुझे पहले से ही पता था। आयशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन कंचन जब स्कूल जा रही होती है तभी उसकी माँ कहती है, आयशा को भी अपने साथ स्कूल ले जाओ बेटा। व्हाट, ये मेरी स्कूल जाएगी? हाँ बेटा, ये आपके स्कूल में ही पढ़ेगी। प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है, स्कूल में आज आयशा का टेस्ट है, अगर टेस्ट में पास हो गई फिर एडमिशन भी हो जाएगा। वैसे पास तो हो ही जाएगी, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है पढ़ाई में। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, ले जाओ और दोनों बहन साथ ही घर आना। माँ भी ना, पता नहीं किस आफत को मेरे गले में बांध दी है। अब चलिए महारानी स्कूल। स्कूल में सभी बच्चे आयशा को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आयशा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, वह साउथ इंडियन थी, उसका रंग काला और लिप्स मोटे थे। अरे कंचन, आज ये तो किस नमूनी को अपने साथ स्कूल लेकर आई है, एकदम कार्टून लग रही है। अरे, इस कार्टून को तो हमारे टाइम पास के लिए स्कूल लेकर आई है। देखो, मैं कोई कार्टून या टाइम पास के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, और आप लोग भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। अरे तेवर तो देखो इस कल्लो की, अगर सुंदर होती फिर पता नहीं क्या करती। हो आई बरी, आज ही टेस्ट में पता चल जाएगा। टेस्ट देकर एडमिशन लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद टीचर आती है, टीचर आयशा का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट का पेपर देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आयशा बेटा, तुम स्कूल की बहुत ही होनहार लड़की हो, तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। वाह, तुम्हारा एडमिशन हो गया,
कल से सारी बुक्स और बाकी की चीजें लेकर स्कूल आ जाना। अगले दिन अनुराधा आयशा को सारे बुक्स और बैग जूते सब लाकर देती है। हाँ, और फिर आयशा भी कंचन के साथ स्कूल जाने लगती है। आयशा हर सब्जेक्ट में ब्रिलियंट थी, जिस वजह से सारे टीचर आयशा की खूब तारीफ किया करते थे, और वही कंचन को नहीं पढ़ने की वजह से डांट सुनने को मिलते रहती थी। एक दिन कंचन स्कूल के पार्क में बैठी थी, तभी वह काजल से कहती है, काजल चलो ना खेलने चलते हैं। नहीं नहीं कंचन, मैं तो आयशा के पास जा रही हूँ, मैथ का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, वही पूछने जा रही हूँ, तुम खेलो मैं जा रही हूँ। रागनी तू यही मेरे साथ बैठ जा थोड़ी देर। नहीं नहीं कंचन, मेरा भी इंग्लिश का काम अधूरा रह गया है, मैं भी आयशा से पूछकर अपना काम पूरा करने जा रही हूँ, तुम्हारी तरह मुझे इस बार फेल नहीं होना है। इस आयशा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, जिसे देखो इसी का गुणगान गाते रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है उस कल्लू माई में। तभी उसे उसके क्लास का सबसे हैंडसम लड़का रोहन दिखाई देता है। हे रोहन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा सुनो, ये नोट्स तुम अपनी बहन आयशा को दे देना और उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, उसने मेरी नोट्स बनवाने में मेरी बहुत हेल्प की है। तुम्हारी बहन सच में यार बहुत अमेजिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे नहीं आता हो। इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने पहली बार देखी है, उससे पहले तो मैं ये समझता था कि सारी लड़कियां तुम जैसी बुद्धू होती हैं। ओके बाय। बहुत हो गया, इस आयशा की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तो इसने मुझसे मेरी माँ छीन ली, अब स्कूल में आकर मेरे सारे दोस्तों को भी अपने साइड कर लिया। कंचन गुस्से से घर चली जाती है, और फिर एक दिन कंचन आयशा के पास जाती है और बोलती है, आयशा क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने अकेले बाहर जाने से मना किया है, तुम चलो ना प्लीज, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाऊंगी जहाँ तुम आज तक नहीं गई होगी, चलो ना प्लीज। कंचन जब तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर कंचन आयशा को एक ऊंचे पहाड़ी पर ले जाती है और उसे धोखे से उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। तभी आयशा की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। बेटी तुम ठीक तो हो ना बेटी? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ प्लीज माँ वापस आ जाओ ना, मुझे आपके साथ रहना है माँ, प्लीज माँ। नहीं बेटा, अब मैं वापस नहीं आ सकी, मेरा घर अब आसमानों में तारों के पास है, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं, और यहाँ तुम्हारे पास तो अनुराधा जैसी एक और माँ है और कंचन जैसी प्यारी बहन है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा? माँ कंचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ, वह मुझे अपना नहीं मानती है माँ, उसे मुझे दीदी कहने में भी शर्माती है, वह हमेशा मुझे कोसती रहती है क्योंकि मैं इतनी बदसूरत होने के बावजूद भी सबके दिलों में अपनी जगह बना ली हूँ। आज इन्हीं सब ईर्ष्या की वजह से उसने मुझे खाई में धक्का दे दिया माँ। आयशा बेटा, कंचन अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा बेटी। रही बात तुम्हारे सबसे अलग होने की, तो तुम मेरे साथ आओ। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। बेटी ये पेड़ देख रही हो, ये एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है, इस पेड़ की लिपस्टिक लगाने से तुम भी इंडियन लोगों की तरह ही गोरी और सुंदर हो जाओगी। तुम इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से कोई भी तीन लिपस्टिक तोड़ लो। तीन लिपस्टिक? लेकिन तीन लिपस्टिक क्यों माँ? पहली लिपस्टिक तुम्हारे लिए, इस पहले लिपस्टिक को लगाते ही तुम भी कंचन की तरह गोरी और सुंदर हो जाओगी, और दूसरी लिपस्टिक, ये दूसरी लिपस्टिक तुम्हारी बहन कंचन के लिए, तुम ये दूसरी लिपस्टिक कंचन को दे देना। इस लिपस्टिक को लगाते ही कंचन के मन में जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष है वो सब खत्म हो जाएगा, और वो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करने लगेगी। और ये तीसरी लिपस्टिक अनुराधा के लिए मेरी तरफ से उपहार में देना, इस लिपस्टिक को लगाकर वो जो भी बोलेगी वो सच हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटी। इतना बोलकर आयशा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। आयशा खुशी खुशी उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही आयशा
बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। आयशा को घर वापस आता देखकर कंचन बहुत डर जाती है और वो अपनी माँ से लिपटकर बोलती है, मम्मा भूत भूत माँ। अरे ये क्या नाप सना बक रही हो, ये तुम्हारी दीदी आयशा है, ये कोई भूत नहीं है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आज अनजाने में इसे पारी से धक्का देकर नीचे काई में गिरा दिया था, ये वहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं आ सकती है ना माँ। माँ ये भूत है, प्लीज माँ इसे कहो यहाँ से चली जाए और मुझे छोड़ दे। माँ मुझे बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी, प्लीज माँ। तूने आयशा को मार डाला? अरे तू मेरी बेटी होकर ऐसा कैसे कर सकती है, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, निकल जा मेरे घर से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, गुस्से में आकर मैंने ऐसा कर दिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी कंचन को माफ कर दीजिए और मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर आयशा अनुराधा को सारी बातें बताती है और उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में भी बताती है। देख तूने जिस बहन को मरने के लिए पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था, वो बहन तुम्हारे बारे में कितना सोचती है, ये ले ये लिपस्टिक तुम्हारे लिए है, इसने अपने होठों पर लगा ले। और फिर कंचन उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और फिर अपनी बहन आयशा को गले से लगा लेती है। आयशा दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और फिर अनुराधा तीसरी लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक हमारी सारी गरीबी को दूर कर दो और हमें खुशहाल कर दो, हमें इतना दे दो जिससे हम खुशी खुशी अपना गुजारा करें और दूसरे गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद कर सके। अनुराधा के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर आलीशान घर में बदल जाता है जिसमें सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।